इस ड्रामा के एपिसोड 6 की शुरुआत में हम कोमी को देखते हैं, जो ओडी के मिनी मार्ट से कुछ सामान लेने के लिए आई हुई थी। फिर ओडी इसके लिए अमीसा खाना बना कर ले आता है और जब वो खा रही होती है तो वो बस डैनी के बारे में ही सोच रही होती है। ओडी इससे पूछता है कि तुम क्या सोच रही हो, तो कहती है कि कुछ नहीं, बस ऐसे ही, वैसे खाना बहुत यमी है। उधर दूसरी तरफ मिस डन ने डैनी को बहुत ज्यादा ड्रिंक पिलाकर मदहोश कर दिया और वो इसका हाथ पकड़कर अपने पास बैठा देती है और उसे छूने लगती है। वो उसकी शर्ट के बटन खोलकर उसे छू रही होती है, लेकिन मिस डन और ज्यादा करीब होने की कोशिश करती है तो डैनी इसका हाथ पकड़कर रोक देता है। लेकिन फिर वो डैनी को अपने परफ्यूम से और ज्यादा मदहोश कर देती है और इसे स्विमिंग पूल के अंदर ले जाती है। वो दोनों नहाने लगते हैं और मिस डन डैनी को हग करके किस करने लगती है, लेकिन डैनी उसे धक्का देकर स्विमिंग पूल से बाहर निकल जाता है। वो वहां से निकलने की कोशिश करता है मगर वहां का दरवाजा बंद होता है। फिर मिस डब ही स्विमिंग पूल से बाहर निकलकर आ जाती है। वो डैनी से कहती है कि तुम यहां से भाग नहीं सकते क्योंकि मैंने इस होटल को चारों तरफ से क्लोज करवा दिया है। यह सुनकर डैनी दूसरे रास्ते से भागने लगता है और एक वॉशरूम में घुस जाता है। इस वॉशरूम का दरवाजा इससे बंद नहीं हो रहा था, इसलिए वो इसे पुश करके खड़ा हो जाता है। अब उधर ओडी और पोमी घर की तरफ जा रहे होते हैं तो इसका फोन रिंगिंग करता है। जब वो फोन चेक करती है तो इस पर डैनी की कॉल थी। वो फोन पिक करती है और डैनी इसे कहता है कि मेरी मदद करो, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ कि मेरी बॉडी को क्या हुआ है, सब कुछ अजीब हो रहा है, प्लीज मेरी मदद करो। पोमी को पहले तो लगता है कि डैनी इससे झूठ बोल रहा है, लेकिन फिर वो पोमी से कहता है कि मेरा यकीन करो, इस वक्त मुझे तुम्हारी मदद की बहुत जरूरत है। यह सुनकर पोमी उसे कहती है कि ठीक है, मुझे अपनी लोकेशन सेंड करो, जिस पर वो अपनी लोकेशन पोमी को सेंड कर देता है। इसके बाद पोमी और ओडी डैनी की हेल्प करने के लिए निकल जाते हैं। अब उधर मिस डा दरवाजे को धक्का देकर खोलने की कोशिश करती है, लेकिन डैनी दरवाजे को पुश करके खड़ा होता है। बड़ी मुश्किल से मिस डा दरवाजा खोलकर उसके पास पहुंच जाती है, लेकिन डैनी अब वहां से भी भागने लगता है। लेकिन आगे जाकर उसे बहुत सारे लोग घेर लेते हैं जो असल में इस होटल के वर्कर थे। मिस डा ने उन्हें पैसे दिए थे कि वो डैनी को यहाँ से ना निकलने दे। वो उन सब से फाइट कर रहा होता है। वो इन सबको पटक पटक कर मारता है, लेकिन एक आदमी इस पर बहुत भारी पड़ता है। वो डैनी को मार मार कर नीचे गिरा देता है। अब डैनी घायल होकर नीचे पड़ा होता है और फिर वो आदमी एक कांच की बाटा उठाकर ले आता है। वो डैनी को बोतल मारने ही वाला होता है कि तभी वहां पर पोमी आ जाती है, जो इस आदमी को रोकने की कोशिश करती है, जिस पर वो आदमी इस बोतल से पोमी पर अटैक करने की कोशिश करता है। लेकिन तभी डैनी खड़ा हो जाता है और वो बोतल उसकी पीठ पर जा लगती है। अब वो काफी ज्यादा घायल हो जाता है और वो गुस्से में इस आदमी पर अटैक करके उसे बेहोश कर देता है। फिर वो खुद भी नीचे गिर जाता है। अब इसकी हालत काफी ज्यादा खराब होती जा रही थी। एक तो मिस डने उसे ड्रिंक में कोई ड्रग्स दे दी थी, ऊपर से इसकी अच्छी खासी फाइट भी हुई थी। अब पोमी और ओडी डैनी को वहां से ले जाने लगते हैं, लेकिन तभी वहां पर मिस डा आ जाती है, जो उन्हें रोकने की कोशिश करती है। इसके नोज से बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही थी। अब ओडी इसका वीडियो शूट करने लगता है और बोलता है कि अगर तुम पास आई तो अच्छा नहीं होगा। ये कहकर वो डैनी को लेकर चले जाते हैं और दरवाजा बंद कर देते हैं। इसके बाद वो तीनों बाहर निकलते हैं जहां पर ओडी की गाड़ी खड़ी थी। अब डैनी ड्रंक था तो वो ओडी से कहता है कि मैंने तो तुम्हें मेरी हेल्प करने के लिए नहीं बुलाया था, फिर तुम क्यों आए हो यहाँ। ये बात ओडी को बहुत बुरी लगती है और वो इससे लड़ने लगता है, लेकिन पोमी इन दोनों रोक देती है। फिर डैनी पोमी को अपनी तरफ खींच कर उसे हग कर लेता है, लेकिन ओडी उसे पोमी से दूर कर देता है। अब पोमी इस पर बहुत गुस्सा करती है, लेकिन डैनी इसे कहता है कि मुझे माफ कर दो, ये सब मेरे साथ ड्रग्स की वजह से हो रहा है जो मिस डा ने मुझे ड्रिंक के साथ पिलाई। खैर, अब ओडी डैनी को गाड़ी में बिठा देता है और वो तीनों वहां से जाने लगते हैं। रास्ते में डैनी अपना फोन चेक करता है तो इसमें मिस डा का एक मैसेज आया हुआ था जिसमें लिखा होता है कि तुम जिस अपार्टमेंट में रहते हो मैं जानती हूँ, जल्दी वही मिलते हैं। ये देखकर डैनी इन दोनों से कहता है कि वो अपने अपार्टमेंट में वापस नहीं जाना चाहता। पोमी इससे पूछती है कि तुम इतनी रात को कहाँ जाओगे, जिस पर वो कहता है कि मुझे तुम अपनी माँ के ऑफिस तक ड्रॉप कर दो। लेकिन पोमी कहती है कि नहीं, तुम वहाँ मत जा, मैं तुम्हें अपने घर ले चलती हूँ। ये सुनकर ओडी हैरान रह जाता है और वो पोमी से बोलता है कि तुम्हारे ग्रैंडपा को बहुत गुस्सा आ जाएगा।
अगर तुमने ऐसा किया तो। इसलिए तुम डैनी को मेरे घर ले चलो। कुछ देर बाद वो डैनी को लेकर ओडी के घर चले जाते हैं। डैनी अभी भी नशे में था, इसलिए वो बार बार बस पोमी को चिपकने की कोशिश करता है। फिर ओडी इसका हैंगओवर उतारने के लिए उसे पानी से नहलाता है। कुछ देर बाद डैनी की हालत सुधर जाती है और वो ओडी से कहता है कि अब मैं ठीक हूँ। फिर ओडी इसे अंदर ले जाता है और इसे पहनने के लिए अपने कपड़े देता है और फिर इसके लिए चाय बनाकर ले आता है। लेकिन डैनी इससे पूछता है कि तुम्हारा और पोमी का क्या रिश्ता है जो तुम हर वक्त उसके पास रहते हो। यह सुनकर ओडी इसे कहता है कि पोमी सबसे ज्यादा ट्रस्ट मुझ पर ही करती है और वो मुझे सारी बातें बताती है। तुम जैसे लड़के को पोमी के ग्रैंडपा कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इसलिए तुम्हारा कोई चांस नहीं है। ये सुनकर डैनी को गुस्सा आ जाता है और वो सोने के लिए चला जाता है। इसके बाद हम नोटिस करते हैं कि ओडी पोमी के बारे में सोच रहा होता है। असल में वो पोमी को बहुत चाहता था। आज वो इसलिए अपसेट था क्योंकि जब वो दोनों डैनी की हेल्प करने के लिए जा रहे थे तो पोमी को डैनी की फिक्र बहुत ज्यादा थी। वो टेंशन में बार बार बस यही बोल रही थी कि डैनी कहाँ होगा, पता नहीं इसके साथ क्या हो रहा होगा। ये सारी बातें ओडी सोच सोच कर काफी उदास था। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।